हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। तो सबके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि पदार्थ, इसके पहले वाले चैप्टर में जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ, तो हम लोग ने पूरा विस्तार पूर्वक पदार्थ के बारे में समझा था। पदार्थ कह सकते हैं, द्रव कह सकते हैं, ठीक है। तो पदार्थ यानी कि मैटर, उसके बारे में चर्चा की थी। तो पदार्थ होता क्या है, देखिए एक एक लाइन में मैं उसको डिफाइन कर देती हूँ कि होता क्या है पदार्थ। जो भी चीज़ें हमारे आसपास पाई जाती हैं, ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जिनमें द्रव्यमान होता है, उसमें भार होता है, वो सारे पदार्थ कहलाते हैं। जो आपके आसपास चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी क्या हैं, पदार्थ हैं। लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, टेबल है, मेज है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जो आपको दिखाई पड़ती है या जिसका ज्ञान आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, जैसा कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो संसार में कोई भी चीज़ होगी वो तीन अवस्थाओं में किन्हीं एक अवस्था में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले जो हम लोग को चर्चा जो करनी है वह करनी है कि जो पदार्थ है, जो यानी कि द्रव है, वह उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक है शुद्ध पदार्थ और एक है अशुद्ध पदार्थ। अच्छा, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, चलिए शुद्ध और शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है तत्व और एक है यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ इसी को बोलते क्या है, मिश्रण बोलते हैं, या अशुद्ध पदार्थ बोल लीजिए या बोल लीजिए मिश्रण। तो चलिए समझते हैं पहले शुद्ध पदार्थ क्या होता है। देखिए शुद्ध पदार्थ, शुद्ध का अर्थ क्या होता है, शुद्ध का अर्थ होता है पदार्थों में कोई भी मिलावट नहीं हो, वो पूरी तरीके से शुद्ध हो। जैसे हम अपने चारों ओर दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले अनेक पदार्थों को देखते हैं, जैसे मक्खन है, घी है, दूध है, नमक है इत्यादि, कभी इन पदार्थों के डिब्बों के ऊपर देखा है तो लिखा होगा शुद्ध। शुद्ध से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है। एक सामान्य व्यक्ति, कोई भी, जैसे हम लोग हैं, वो क्या समझते हैं, शुद्ध का मतलब होता है इस पदार्थ में कोई भी मिलावट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हम अपने भाषा में आते हैं, परिभाषा में चलते हैं। पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, वह क्या कहलाता है, शुद्ध कहलाता है, ठीक है। चलिए जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हनी है, ठीक है, यहाँ पर हनी दिख रही है, वो कह सकते हैं कि शुद्ध है, ठीक है। हनी है, वाटर है, ये सारे क्या हैं, शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। तो हमारे पास एक प्रश्न आ जाता है कि शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। यह एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थ से क्या समझते हैं। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, पदार्थ जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इनको किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता है, तो वो कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो आई थिंक शुद्ध पदार्थ क्लियर हो गया आपको। देखिए जैसे ये आपका लोहा है, आयरन है, आयरन मतलब लोहा हो गया, गोल्ड है, ये सारे क्या हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। इसके बाद शुद्ध पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, मैंने अभी चार्ट में भी आपको बता दिया था कि शुद्ध पदार्थ, जो शुद्ध पदार्थ के जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक है तत्व जिसको एलिमेंट बोलते हैं, एक है यौगिक जिसको कंपाउंड बोलते हैं। आइए समझते हैं कि तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। पहले हम तत्व की तरफ चलते हैं कि तत्व किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको यहीं पे चर्चा कर लेते हैं कि तत्व क्या होता है। देखिए जैसे तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं, तत्व भी, क्योंकि शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार अभी मैंने बताए हैं, तत्व हैं ये भी क्या हैं, शुद्ध पदार्थ हैं, ठीक है। तत्व शुद्ध पदार्थ हैं जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। प्रकृति में लगभग 118 तत्व जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे
चांदी है, सोना है, ठीक है, और पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, ये सारे क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं, तत्व को एलिमेंट्स बोलते हैं। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल ने 1660 में बताया कि तत्व अशुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे बनाया जा सकता है। जैसे गंधक है, लोहा है, सोना है, चांदी है, बहुत सारे, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सारे क्या हैं? तत्व हैं, एलिमेंट हैं, ना इसको तोड़ा जा सकता है और ना ही इसको बनाया जा सकता है। तो ये क्या कहलाए? तत्व कहलाए। फिर बात हम कर लेते हैं यौगिक की। यौगिक क्या होता है? देखिए, यौगिक यह एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है, मैंने बताया था, ये भी शुद्ध पदार्थ का एक दूसरा प्रकार है, यौगिक कंपाउंड बोलते हैं। यह एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो द्रव्यमान के अनुसार दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से क्या होता है? बना होता है। इसमें क्या होता है कि दो तत्व मिला करके, लेकिन एक निश्चित रासायनिक अनुपात में रासायनिक संयोग से जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ कि यौगिक क्या होता है। जैसे मानिए कि वाटर है, ठीक है, H2O है, ठीक है, H2O है, रासायनिक सूत्र है पानी का H2O। अब H2O है तो H2O में, यानी कि जल में H2 के क्या क्या लिया गया ये समझ लीजिए पहले, ठीक है। H2O में H2 यानी कि हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु जब मिल जाता है, एक परमाणु मिल जाता है तो जल का जो क्या बनता है, एक अणु बन जाता है। हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु जब मिल जाता है तो क्या बना कि यौगिक बना, यानी कि जल बना। तो बात वही मैंने कही कि यौगिक जो है वह दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे कुछ भी ले लीजिए, नमक ले लीजिए, NaCl सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, बहुत सारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे क्या हैं? यौगिक हैं। बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सारे क्या हैं? यौगिक के एग्जांपल हैं। तो सिंपल सी आपको समझ में आ गया होगा कि जो तत्व से मिलकर के क्या बनता है? यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अभी हम चर्चा करते हैं, अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की, इम्प्योर सब्सटेंस, या इसको मिश्रण बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। होता क्या है ये इम्प्योर सब्सटेंस, ये समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो प्योर है, प्योर सब्सटेंस है, प्योर पदार्थ है, उसको दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, एक तत्व हो गया और एक यौगिक हो गया। इसके बाद इम्प्योर जो पदार्थ है उसको मिश्रण भी बोलते हैं। तो चलिए होता क्या है ये समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के द्रवों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप घर से अपने एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिंपल सा, आप देख सकते हैं कि घर में आपने कोई क्या किया, एक ग्लास पानी ले लिया और उसमें क्या किया, चीनी ले ली और घोल दी अच्छे से, ठीक है, तो वो क्या हो गई, घुल गई, तो क्या तैयार हो गया, एक मिश्रण तैयार हो गया, ठीक है, मिश्रण। अब चलिए मिश्रण को डिवाइड करके देख लेते हैं। मिश्रण दो प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक है समांगी मिश्रण और एक है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ये समझ लीजिए। समांगी मिश्रण होता क्या है, चलिए, मिश्रण मैंने बता ही दिया है आपको, मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर के बना होता है, जैसे नमक और पानी। आप चित्र में भी देख रहे हैं, एक गिलास पानी में आपने नमक घोल दिया या चीनी घोल दी तो एक मिश्रण तैयार हो गया, ठीक है। अब दो तरीके के हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या होता है ये समझ लीजिए, एक मिश्रण जिसकी बनावट समान होती है, फॉर एग्जाम्पल चीनी और पानी का मिश्रण, या ये कह सकते हैं कि इसको अगर दूसरी भाषा में डिफाइन करता है करना है समांगी मिश्रण को, कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो,
समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। इसके विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक करके नहीं देखा जा सकता है। जैसे नमक या चीनी तथा जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण कहलाता है। अगर वही है, आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें चीनी को अच्छे से घोल दिया, तो पूरी तरीके से क्या होगी, चीनी पानी में खुल जाएगी, और उसको अगर आप अलग से देखना चाहोगे तो क्या होगा, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। तो विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं, उदाहरण जल तथा तेल। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देखिए विषमांगी मिश्रण का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। विषमांगी मिश्रण की चलिए पहले परिभाषा ही समझ लेते हैं। वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसकी संरचना एक समान नहीं होती है और इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे जल में चौक या रेत का निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जल ले लिया हमने, एक ग्लास में जल ले लिया और उसमें तेल डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो क्या होगा, ये इसमें घुलेगा नहीं, ठीक है। घुलेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये ना ही इसका प्रत्येक भाग क्या है, समान नहीं होता है। इसकी संरचना एक समान नहीं होती है, तेल की अलग संरचना है और जल की अलग है, ठीक है। तो ये आपस में घुल नहीं पाते, इसलिए क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। देखिए जब तेल और जल को घोला जाए तो तेल ऊपर तैरने लगता है और जल क्या होता है, नीचे की तरफ आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे जल है, यहाँ जल है, और अगर यहाँ पर तेल की जगह रेत ले लिया आपने, बालू ले ली, रेत ले ली, लकड़ी का बुरादा ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, उसको अगर जल में आपने घोला तो वो भी क्या होगा, उसमें घुलेगा नहीं, क्योंकि यह एक विषमांगी मिश्रण है। रेत नीचे आके बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसमें जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्यूशन, यानी कि विलयन क्या है, विलायक क्या है, विलय क्या है, ठीक है, और तनु विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस यानी कि विलयन के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विलयन होता क्या है या विलयन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हम विलयन की चर्चा करते हैं। पहले विलयन क्या होता है ये समझते हैं। विलयन होता क्या है, विलयन को सॉल्यूशन बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ने क्या किया, शरबत ले लिया, शरबत बनाने के लिए नींबू और पानी को क्या किया, अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है, तो क्या तैयार हो गया, एक विलयन तैयार हो गया, एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। अगर हम लोग को इससे ज़्यादा, दो या दो से अधिक मतलब कि वाटर हो गया और नींबू हो गया, इसमें चीनी ऐड कर दीजिए, जो समांग मतलब एक साथ खुल जाए आसानी से, वो क्या कहलाएंगे, विलयन सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। तो बात यहाँ करते हैं विलयन के कितने भाग होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मुख्यतः जो विलयन है इसके दो भाग होते हैं। पहला क्या है, पहला हम देख लेते हैं विलायक, और दूसरा क्या है विलय। विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं और विलय को सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। विलयन एक सिंपल सी अगर परिभाषा की बात करें विलयन में, तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण है, ये याद रखना है आपको। सॉल्यूशन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। चलिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर एक गिलास पानी ले लेते हैं और उसमें एक चम्मच आपने क्या किया, चीनी डाल दिया, ऐड कर दिया और उसको अच्छे से घोल दिया, तो शरबत बन गया, तो ये क्या हो गया, एक विलयन तैयार हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि विलयन के गुणधर्म क्या होते हैं, आखिर क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखें विलयन के गुण सबसे पहले क्या होते हैं कि
विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, हमेशा विलयन जो क्या होगा, एक समांगी मिश्रण होगा, आराम से उसमें जो अवयव होते हैं, जो पदार्थ होते हैं डाले जाते हैं वो घुल जाते हैं। ठीक, इसमें कण का व्यास 1 नैनोमीटर होता है, इसलिए इसे आँखों से नहीं देखा जा सकता, वो इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि आपको आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है, इसके कारण विलयन के कण प्रकाश किरण को फैलाते नहीं है और प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। ये सूक्ष्म इतने कण होते हैं कि अगर हमने इसमें से प्रकाश को क्या किया, प्रकाश को अगर लाइट मानिए डालते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन पे, तो क्या होगा कि वो जो कण हैं वो प्रकाश किरण को फैलाते नहीं है, यानी कि हमको जो प्रकाश की किरण है वो दिखाई नहीं पड़ेगी, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग एक और कह सकते हैं कि इसके कणों के आकार के कारण ही विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है, क्योंकि विलयन के कण क्या होंगे, बहुत सूक्ष्म होंगे। एक नेक्स्ट हम चलते हैं कि एक चीज़ और भी यहाँ याद रखने वाली है कि विलयन के कण स्थायी होते हैं, इसलिए विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। अभी विलयन के भाग कितने होते हैं, सॉल्यूशन जो हम लोग ने मैंने देख बताया कि जो एक नींबू लिया आपने, पानी लिया और चीनी ली, उसका एक क्या किया, विलयन तैयार कर दिया, सॉल्यूशन तैयार कर दिया, तो उसको विलयन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो विलयन के दो भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं, एक है विलायक, ठीक है, और दूसरा है विलय। अच्छा, अब विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है ये समझ लेते हैं कि चलिए चित्र से भी समझते हैं। देखिए, विलायक वह होता है विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। और विलय किसे कहते हैं, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। अच्छा, चलिए चित्र से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, अब इसमें क्या किया आपने कि वाटर ले लिया, वाटर ले लिया, पानी मतलब वाटर पानी ले लिया, ठीक है, और इसमें क्या ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दी। अब क्या हुआ, वाटर में ये शुगर क्या हो गई, अच्छे से मिक्स हो गई। जब ये दोनों खुल गई तो इसमें ज़्यादा मात्रा में देखा जाए क्या था, तो ज़्यादा मात्रा में जिसकी मात्रा ज़्यादा थी वह क्या था, पानी, जल था, ठीक है, और जिसकी मात्रा कम थी वह क्या था, चीनी, ठीक है, जिसकी मात्रा कम थी वो क्या था, चीनी। तो मैंने कहा है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वह क्या कहलाता है, विलायक। तो यहाँ पर विलायक क्या हुआ, वाटर, यहाँ पर ये विलायक कहलाया वाटर, ठीक है, विलायक वाटर कहलाया। और जिसकी मात्रा कम थी, यानी कि किसकी मात्रा कम थी, चीनी की मात्रा कम थी, तो वो क्या कहलाया, विलयन, विलय कहलाया, ठीक है। अब जब विलायक और विलय के मिलने से क्या बन गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया, यानी कि विलयन तैयार हो गया। तो यहाँ पर जो शुगर है यानी कि वो क्या है, विलय है, और जो वाटर है वो क्या है, विलायक है। तो ये हो गए विलय, और ये जिसकी मात्रा ज़्यादा थी ये हो गया वाटर, यानी कि विलायक, विलायक, ठीक है, विलायक कहलाता है। और इससे क्या बना, विलयन तैयार हो गया। तो आई थिंक पूरी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि विलय की किसके, विलय, विलय और विलायक के मिलने से क्या तैयार हो गया, विलयन तैयार हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। चलिए एक और अच्छे से समझ लेते हैं इसकी परिभाषा को, अगर इस तरीके से भी समझते हैं दूसरे तरीके से, कि विलायक वह होता है जिसमें जो किसी पदार्थ को घोलता है, ठीक है, अर्थात विलायक की प्रकृति घोलने वाली होती है, और विलय वह पदार्थ होता है जो विलायक में घुल जाता है, अर्थात इसमें घुलने की प्रकृति होती है। तो मैंने आपको अभी बताया ही था कि जब हम लोग एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, मानिए कि हम लोग ने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी, ठीक है, तो विलायक क्या हो गया, पानी हो गया, विलय क्या हो गया, चीनी हो गया, और ये जो तैयार हो गया ये विलयन तैयार हो गया, ठीक है।
तो विलायक की जो प्रकृति क्या हुई, घोलने वाली होती है, और विलेय की प्रकृति क्या होती है, घुलने वाली होती है, आसानी से जो घुल जाए, जो जो विलायक में घुल जाए वो विलेय कहलाता है। ठीक है।